ये क्या चीज़ है? अच्छा कुछ तो आई थिंक प्रोग्राम है, इधर सभा है, सभा। हाँ, एकनाथ शिंदे वगैरह यहाँ पर आके कुछ तो करने वाले। फाइनली मेरा जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो गया है, हाय गाइस, क्योंकि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है मेरा सबसे पहला सोलो लॉन्ग राइड वाला ट्रिप, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पनवेल से शिरडी और शिरडी से पनवेल। तो इसके लिए जितनी भी सारी पैकिंग है वो मेरी हो चुकी है, बाइक भी रेडी है, बाइक का टॉपअप भी हो चुका है, मतलब फ्यूल टैंक भी पूरी तरीके से मैंने फुल कर लिया है। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और जितने भी मेरे गेयर इक्विपमेंट्स हैं उन्हें मैं पैक करूंगा और कल सुबह निकल जाऊंगा। तो अभी मैं ना आपको डायरेक्टली कल सुबह मिलता हूँ। ऑलराइट। तो अभी अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट, बज चुके हैं ऑलमोस्ट 5 बज गए हुआ है मुझे, वो एक्चुअली लेट हुआ है निकलने के लिए, मुझे निकलना था 4:30 बजे पर अभी बज चुके हैं 5, मतलब 5:50 कम है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुझे जो रास्ता लेना है ना यहाँ से पनवेल से शिरडी जाने के लिए, वो दो रास्ते दिखा रहे हैं, पर अभी इस वक्त मैं लेने वाला हूँ शील फाटा वाला रास्ता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स शील फाटा वाला जो रास्ता है ना वो मुझे अच्छा दिखा रहा है, मतलब फास्टेस्ट रूट दिखा रहा है शील फाटा वाला रास्ता, तो उस रास्ते को मैं अभी लेने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि मुझे जल्दी निकलना था, बट यू नो सुबह सुबह नेचर के कॉल बहुत बार आते हैं, इसी वजह से मुझे लेट हो गया। तो 5:50 कम है और राइड हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पर ये जो मैंने लाइट्स लगाए हैं गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो नीचे की तरफ, तो ये काफ़ी हद तक ना बहुत अच्छा व्यू देते हैं रात के टाइम पे। कैमरा में आपको दिख रहा नहीं होगा, कैमरा में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितना परफेक्ट ये दिखा रहा है, बट जो इनका इफेक्ट है ना वो बहुत अच्छा है, काफ़ी दूर तक है, मतलब सारी चीज़ें ना अच्छी खासी विजिबल है। इवन दो सामने से जब मुझे लाइट आती है किसी भी गाड़ी की तो भी मुझे कुछ दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो लोकल कंपनी के ही विदाउट वारंटी वाले, बट जो भी है जैसे भी है अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे। और ये सिग्नल निकल चुका है, तो ये एक्चुअल रोड है, यहाँ से अभी मैं जाऊँगा सीधा, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने ले लिया लेफ़्ट टर्न तो मैं जाऊँगा वाया ठाणा, पर मैं ठाणा से नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ शील फाटा। ऑलराइट, अभी हम लोग आ चुके हैं शील फाटा पे, यहाँ से हम जाएंगे अभी राइट की तरफ। ओ भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पता नहीं ये कोहरा है या पॉल्यूशन है, बट जिस तरीके से विंड ब्लास्ट आ रहा है, जिस तरीके से हवा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा कोहरा है, और जो एटमॉस्फियर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एटमॉस्फियर जो है काफ़ी हद तक अच्छा है एकनाथ शिंदे साहेब, मतलब अगर आप बाइक लेके आते हो तो डिसेंट एटमॉस्फियर है, पर ये एटमॉस्फियर आफ्टर 1 मंथ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये राइड मैंने अभी मतलब अर्जेंट बेसिस पे अभी मैंने प्लान की। जैसे ही एक हफ्ता ऑलमोस्ट 2 हफ्ते निकल जाएंगे एटमॉस्फियर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो अगर आप प्लान करना चाहते हो इस महीने के अंदर प्लान करो, सेफ़ रहोगे अच्छे रहोगे, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके बम का टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। ये क्या चीज़ है? अच्छा कुछ तो आई थिंक प्रोग्राम है, इधर सभा है, सभा। हाँ, एकनाथ शिंदे वगैरह यहाँ पर आके कुछ तो करने वाले। अब यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ना इस साइड से, यहाँ से ये सीधा रास्ता जाता है कल्याण को, और ये जो राइट मैंने लेफ़्ट जो मैंने लिया है यहाँ से लेफ़्ट लेकर मैं जाऊँगा शिरडी के लिए। तो GPS के अंदर भी यही रास्ता दिखा रहा है, तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। अभी आप लोगों को ना वो एक वहाँ पर रास्ता दिख रहा होगा ये वाला, तो आगे जाके एक सर्कल आएगा, वहाँ से मुझे वापस से लेफ़्ट लेना है जो हमारा नासिक वाला हाईवे है उसको टच करने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखो, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मेन चौक है, चौक क्या बोल रहा हूँ, सर्कल है, यहाँ से आप लोगों को ना लेफ़्ट लेना है, ठीक है? यहाँ से अभी मैं लेफ़्ट लूँगा
तो डायरेक्टली वो जो मैंने आपको ब्रिज बताया था वहाँ पर मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। रास्ते पर आपको ऐसे पागल लोग भी मिलेंगे, ठीक है, तो इन लोगों से भी बच के रहना। एक तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना रहता है और उनको किसी की पड़ी नहीं रहती, वो अपनी धुन में चल रहे होते हैं, तो आप लोगों को उनका भी ध्यान रखना पड़ता है जब आप बाइक चला रहे होते हो। साथ ही साथ ट्रक ड्राइवर्स का कुछ इश्यू उतना होता नहीं है, मैंने तो उतना कुछ इशू नज़र नहीं किया है किसी का भी, क्योंकि वो लोग जो ट्रक ड्राइवर जो होते हैं ना, वो अपने स्पीड में आराम से चल रहे होते हैं, ठीक है। जो भी मस्ती करने की चीज़ होती है ना, वो लोग एक तो बिना हेलमेट पहने वाले टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर वाले, इनमें ही बहुत मस्ती रहती है यहाँ वहाँ से गाड़ियाँ निकालने के। साथ ही साथ उसके अंदर एडिशन हो जाता है थ्री व्हीलर वालों का, मतलब हमारी जो ऑटो रिक्शा वगैरह होती है उनका भी। बाकी एज सच आपको जितने भी बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर्स हैं ना, उनका कोई इशू नहीं आएगा। ओके, तो अभी जो हमारा मेन हाईवे है ना, वहाँ पर मैं लग चुका हूँ। जहाँ से मैं स्ट्रेट आया था वहाँ से ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके नीचे से ना आपको एक राइट मारना है, तो आप इस वाले मेन रोड पे आ जाओगे। तो ये जो मेन रोड है, यही वो रोड है जो मुमरा बाईपास से भी मिलता है, और अभी इसी रोड से हम लोग जाने वाले हैं शिरडी। कौन मोड़े मुहा, ट्रक ड्राइवर वाजलावा, कौन मोड़े मुहा। और भाई अच्छी खासी सुबह हो चुकी है, ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर्स में आ गया हूँ। 7:10 कम है, 2 घंटे का ड्राइव हो चुका है। अभी देखते हैं और कितना, क्योंकि वन टेक में ना मैं 100 किलोमीटर करने वाला हूँ, और इस गाड़ी के लिए 100 किलोमीटर सफिशिएंट है वन टेक में। तो 100 किलोमीटर्स होते ही मैं कहीं पर रुक जाऊँगा एक 15-20 के लिए, ताकि थोड़ी कमर भी सीधी कर लूँ। बिलंशी नागे निकाली ट्यों ट्यों नागो बड़ो लाइला लागला ट्यों ट्यों बिलंशी नागे निकाली नागो बड़ो लाइला लागला। यहाँ पर आप देख सकते हो पुंदे गांव को जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, और ये अपनी जा रही है भारत रेल। कौन सी है पता नहीं, पर ये मेरे ख्याल से ना डेक्कन टाइप रहेगी, क्योंकि सारे जो एसी कार्ट्स हैं वो आई थिंक सारे एसी कार्ट्स ही हैं। सूरज देवता भी बाहर आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। अभी ऑलमोस्ट मैं 90 किलोमीटर आ चुका हूँ, बम दुखने पे आ रहा है। अभी और 10 किलोमीटर के बाद मैं रुकूंगा, देखते कहीं पर अच्छी जगह मिल देख के रुक जाऊंगा। काफ़ी समय बाद इस रोड पे आया हूँ, मतलब रोड की कंडीशन अभी भी अच्छी है कार्स के लिए, कार और बाइक के लिए। छोटी बाइक्स के लिए आप केयरफुली रहो, जैसे कि मैं अभी जिस स्पीड में चला रहा हूँ ना उसी स्पीड में चलाना, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके भगाने के चक्कर में मत जाना। जिस गाड़ी के अंदर पावर है वो आराम से चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमेशा चेकिंग रहती है हर बार। पिछली बार उस साइड पे हमें रुका था जब मैं नैनो लेकर आया था, तो हुआ कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने रोक के चेक किया कि बाबा क्या है कैसा है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। ऑलराइट गाइस, अभी मैंने लिया है ना पहला ब्रेक, और मैं आपको मेरी गाड़ी की रनिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 100 किलोमीटर्स हो चुके हैं टोटली। अभी फटाफट से मैं थोड़ा कुछ पी लूँगा, पानी वगैरह, या फिर थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगा, और वापस से अपनी जर्नी को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ वहाँ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर पहुँच के वापस से रिटर्न आना है। जितना जल्दी मैं रिटर्न आऊँगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। गड़बड़ हुआ से बच्चे,
टक्कन ठकाई हुई के गाड़ी बंद पड़ गई, आई थिंक गाड़ी बंद पड़ गई है। गाड़ी बंद पड़ गई रे बेचारे की, गाड़ी बंद पड़ गई। जब ऐसी सिचुएशन में गाड़ी बंद पड़ती है ना भाई, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि बारिश गिर सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर एटमॉस्फेयर देखोगे ना तो थोड़े बहुत ग्रे बादल है। यार प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि बारिश ना गिरे। यहाँ पर एक होटल खुला दिख रहा है भाई, चाय पीनी बनती है, चाय पीना ही पड़ेगा दिमाग खोलने के लिए, क्योंकि तो यहाँ से एक्चुअल जो घाट है ना वो स्टार्ट होगा, और तब मैं जाके रुकना नहीं चाहता। जो भी है जैसा भी है यहीं पर रुकेंगे। और भाई ये रही अपनी चाय। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, चाय का ब्रेक हो चुका है कंप्लीट। अभी निकलते हैं वापस से राइड के ऊपर। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक्चुअल स्नेक रोड स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर चाय ब्रेक लिया। तो फटाफट से सारी चीज़ें पहन के निकलते हैं। ओके, यहाँ पर ना देख सकते हो आगे की तरफ एक फ्लाईओवर आएगा, उसके नीचे से मुझे जाना है और नीचे से टर्न मार के मुझे इस रास्ते पर लगना है, क्योंकि ऊपर वाला जो रास्ता है वो करीबन 10-15 मिनट लेट है, तो मुझे लेट वाला रास्ता नहीं है। और सूरज देवता का प्रकोप देखो झटके से आ गया, मे बी वो वाला होगा। वो जो फ्लाईओवर दिख रहा है ना, डाइवर्जन तो है, नीचे से राइट मार के शिरडी। ये वाला टर्न लेना है, सामने वाला रास्ता नासिक, ये वाला राइट शिरडी, मतलब शिरडी सिन्नर, जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर जा सकते हो। और सामने की तरफ अगर आप देखोगे ना, वाह क्या ज़बरदस्त दिख रहा है यार वो डोंगर के पास, डोंगर मतलब पहाड़ के पास, ज़बरदस्त भाई। इस चीज़ को देखो, अगर आप लोग ये देख पा रहे हो तो मतलब क्लाउड में से जो रेज आ रहे हैं ना वो क्या ज़बरदस्त दिख रहे हैं। देखो क्लाउड्स में से रेज आ रहे हैं, सन रेज, मस्त दिख रहे हैं ना, एकदम ज़बरदस्त। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, पर मुझे था वहाँ से दिख रहा था, आगे जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ना बड़े बड़े विंड मिल्स हैं, ये देखो उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, बड़े बड़े विंड मिल्स हैं, मस्त। नासिक से हम लोग आते हैं ना उस समय भी वहाँ से भी ये दिखते हैं। वो बच्चे गाड़ी के अंदर ना, उनको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं अगर करीब जाने मिला तो उनको भी कैप्चर कर लेंगे। सिन्नर सिटी में आई थिंक मैं एंटर कर चुका हूँ, क्योंकि सिन्नर का जो बस स्टैंड है ना, मेन बस स्टैंड जो हाईवे को लगकर है, वहीं से जाता है। ये देखो शिरडी राइट साइड लिखा है, तो अपने को राइट साइड से जाना है। यस 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 यस, लेट मी जस्ट शो यू, मैं 2 मिनट के लिए बाइक को रोकता हूँ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ से अगर हम लोग राइट जाएंगे ना, राइट साइड में शिरडी जाएंगे, और ये जो रास्ता आता है यहाँ से, ये अपना नासिक वाला रास्ता है, मतलब नासिक का जो मैंने आपको बस स्टैंड
सिन्नर बस स्टैंड से जो रास्ता था ना, वो वाला रास्ता है। अभी अपने को जाने का है इधर। आगे जाने के बाद भी एक मेरे ख्याल से लेफ्ट आता है, वो लेना पड़ेगा। तो इस रास्ते से हम लोग जाएंगे लेफ्ट। लेफ़्ट जाने के बाद वापस से एक छोटा ऐसा कर्व आता है राइट साइड के लिए, वो राइट लेना है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा किला टाइप इन्होंने बांधा हुआ है, यहाँ से आपको लेना है राइट। ये एक्सट्रीम राइट है तो ध्यान रखना। अब यहाँ से आपको सीधा सीधा निकलना है, यहाँ पे कहीं भी टर्न नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आधा बना हुआ पुल, यहाँ पर ये साई अतिथि होटल, यहाँ से आपको लेना है राइट शिरडी जाने के लिए। और फाइनली अपन शिरडी पहुँच गए बाबा। तो मैंने यहाँ पर बाइक पार्क की है और ठीक इसके अपोजिट ये है साईं बाबा जी का मंदिर। और यहाँ पर एक उन्होंने ना कलाकारी की हुई है, एक बड़ी सी मूर्ति है जो कि साईं बाबा यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी ज़बरदस्त कलाकारी इन लोगों ने यहाँ पर की है। और राइट, तो अभी अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ बाइक वगैरह सब कुछ लगाकर। अभी मुझे जाना है लॉकर में और मेरा बैग और मेरा हेलमेट मुझे लॉकर में रखना है, उसके बाद करेंगे दर्शन। तो भाई यहाँ पर ना दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन है, तो मैं दर्शन में नहीं गया। मुख दर्शन मैंने ले लिया, अंदर फोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। तो जिन जिन लोगों को दर्शन लिंग वो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि अभी अभी दोपहर की आरती कंप्लीट हुई है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ का मेरा दर्शन हो चुका है कंप्लीट। अभी मैं बैठा हूँ इस स्टैचू के सामने, ये अभी अभी हाल ही में नया बनवाया है। और उस साइड जो है ना, उस साइड में मंदिर है, अंदर शूटिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मेरा जो कुछ भी दर्शन का काम था वो हो चुका है। अब मैं जाऊँगा मेरी बाइक के पास, थोड़ी पेट पूजा करेंगे और फिर निकलेंगे। फाइनली मैं अभी घर निकल रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर दूर हूँ पनवेल से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ठाणे 56। तो भाई ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है, 10 साल पुराना ड्रीम। क्योंकि 10 साल पहले मुझे जाना था, जब मैंने हमारी जो पुरानी वाली बाइक थी वो हमने न्यू ब्रांड ली थी कॉलेज के बाद, तो तब मुझे जाना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं जा नहीं पाया। इसलिए फिर जब ये बाइक ली तब वो ड्रीम पूरा किया। और भाई एकदम मक्खन हुआ है, मक्खन गाड़ी। ऑलमोस्ट अभी घर पहुँचते 500 किलोमीटर चल जाएगी एक दिन में। हाँ, एक बहुत ख़तरनाक फीलिंग आ रही है यार, बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से ऐसे एकदम धुमा चौकड़ी वाली फीलिंग आ रही है। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं। दिस इज द नेक्स्ट डे आई एम शूटिंग दिस व्लॉग, क्योंकि कल रात को ना मैं करीबन 8-8:30 बजे घर पे पहुंचा था, तो बिल्कुल भी ताकत नहीं थी व्लॉग करने की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो मेरी राइड है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। सिर्फ आधे वक्त ना भिवंडी के पास मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगी, उतना ही हेक्टिक था, बाकी ऑलमोस्ट ऐसा कुछ इशू नहीं था, एकदम मक्खन राइड हुई थी। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरी गाड़ी का जो एवरेज है वो कैसा आया। अभी अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो मेरी गाड़ी ने बहुत ही मक्खन परफॉर्मेंस दिया है, कोई भी इशू नहीं, एकदम स्मूथ गई और स्मूथ आई। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने न्यू ब्रांड गाड़ी ली है, उसको मैंने अभी तक सर्विसिंग नहीं करवाई है। तो विदाउट सर्विसिंग जो मुझे एवरेज मिला है उस गाड़ी का, वो मिला है ऑलमोस्ट 73.5 का। पनवेल टू शिरडी है 250 किलोमीटर्स, वहां पर जाके जब मैंने वापस से टैंक को फुल करवाया तो जो पेट्रोल आया था वो आया था 3.4 का, ठीक है, 3.40 का पेट्रोल उसके अंदर आया, ऑलमोस्ट 360 रुपीज़ का। अगर आप लोग 250 को 3.4 से डिवाइड करोगे
तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 73, ठीक है। तो 73 का एवरेज मुझे मेरी गाड़ी ने दिया विदाउट फर्स्ट सर्विसिंग। अब सर्विसिंग के बाद भी थोड़ा एवरेज बढ़ सकता है, नॉर्मली सर्विसिंग के बाद एवरेज बढ़ता है, तो देखते आगे क्या होता है। तो आई होप आपको मेरा ये फर्स्ट लॉन्ग रूट सोलो राइड अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।